आप जो मुद्दे बता रहे हैं ना कि जनता बहुत त्रस्त है, जनता ऐसी त्रस्त, जनता अगर जो त्रस्त जनता है और वो वोकल हो रही है अपने अपने पीड़ा से, ऐसे लोगों की संख्या उतनी नहीं दिख रही है जो इस सरकार को फिर से लाने के लाने वाली जनता दिख रही है, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है और वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा है सब जगह हर ओपिनियन में। नहीं देखिए, ये तो देखिए, आखिरी जब वोटों की गिनती होगी आखिर में, तभी पता चलेगा ना कौन किसके साथ है। अभी शुरुआत में, अभी देखिए विपक्ष के गठबंधन की जगह का बंटवारा होना है, कई जगह उम्मीदवार फाइनल होने हैं, और एक बार जो प्रचार का जो शुरुआत हो जाएगी, माहौल बनेगा, तो उसके बाद माहौल बनेगा। पृथ्वीराज जी, जो किशोर किशोर आपसे पूछ रहे हैं जी, पृथ्वीराज जी जो किशोर आपसे पूछ रहे हैं, और आपने जब अशोक चव्हाण ने पार्टी को छोड़ा था, आपने हमारे साथ साक्षात्कार किया था न्यूज 18 पर, और आपने एक स्पष्ट बोला था कि कल तक मेरे साथ मीटिंग में थे, तो अशोक चव्हाण एक दिन पहले तक मीटिंग में थे पृथ्वीराज चौहान के साथ और सडनली वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो उसने भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेटबैक दिया था। बेशक पृथ्वीराज जी उस बात को डिसएग्री करें लेकिन या फिर एग्री करें, लेकिन दैट हैपेंड, और पृथ्वीराज जी ने स्वयं इस बात को बोला था, मेरे साक्षात्कार में बोला था, मुझे इसका ध्यान है। जी जी, देखिए बात यह है कि उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि ये पार्टी छोड़ने की बातचीत 2 साल से चल रही है। अब 2 साल से चल रही थी, हमारे पार्टी के एक अग्रणी नेता थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, हमारी स्ट्रैटेजिक कमेटी के मेंबर थे, हमारी रणनीति तय करने में उनका काफी बड़ा अहम योगदान था, और पार्टी छोड़ने से पहले वाले दिन 2 बजे तक हमारे साथ थे और हम राज्यसभा चुनाव की रणनीति की बात कर रहे थे। अब देखिए, इस तरह से एक अग्रणी नेता को जिसको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ये तो धोखा हुआ ना पार्टी के साथ। अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते थे कि भी देखो मैं पार्टी की किसी चर्चा में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, कुछ और बात कर सकते थे। आखिरी ये तो आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें पृथ्वीराज जी, आई पर्सनली रिगार्ड यू वेरी मच एंड किशोर आल्सो, लेकिन एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब पाला बदला था तो उन्होंने क्या ऐलान करा था, ये सवाल होगा। नीतीश कुमार ने पाला बदला तो क्या ऐलान करा, किशोर आपका भी पॉलिटिक्स कवर करने का एक लंबा अनुभव है, ये आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स है। हाँ, और मतलब आप देखिए ना, अभी जो हिमाचल में हुआ, वो सुबह नाश्ता कर रहे थे फिर जाके उधर वोट दे रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो नाश्ता कर रहे थे, डिनर, अभिषेक मनु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि डिनर हमारे साथ किया, खान पान हमारे साथ किया, ब्रेकफास्ट हमारे साथ किया, अगले दिन वोट कहीं और डाल दिया जाकर, और एग्जैक्टली लेकिन ये पृथ्वीराज जी, ये कांग्रेस के साथ हो क्यों रहा है जी? क्या कांग्रेस ग्राउंड लीडर से कट गई है? जो बार बार आरोप लगते हैं, जो नेता छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं कि अब जो है वो सेक्रेटरी और पीए पार्टी को चलाने लग गए हैं, ये एक कमेंट आता है आप ही के नेताओं की द्वारा। अभी अर्जुन मोरवाड़िया गुजरात में छोड़ के गए। देखिए, लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं ये बिल्कुल साफ है, इसकी कोई स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जानती है कि कौन से लीडर को किस कारण से पार्टी छोड़ने पे बाध्य किया गया, किस लीडर के कौन से लफड़े चल रहे थे, कौन से ईडी का इंक्वायरी चल रही थी, सबको पता है। तो कोई ये पार्टी आइडियोलॉजिकल कारण से छोड़ रहे ऐसा कोई नहीं है। किसी को सब दबाव में छोड़ रहे, जिस पर टिकट मिल जाता है तो किसी को कुछ दबाव में या कुछ मिल रहा है किसी को, जैसे अशोक जी को राज्यसभा सीट मिली, मिलिंद देवरा को राज्यसभा सीट मिली, वो छोड़ के चले गए, तो ठीक है, ये अब उनका निजी फैसला है, लेकिन वोटिंग तो वो लोग नहीं करेंगे ना, वोटिंग तो आम जनता करेगी। और अंतिम जैसे आम जनता से हम महाराष्ट्र के आंकड़ों पर आएंगे, पर आप आम जनता की इतनी बात करें, आम जनता से हमने और भी कई सवाल किए, मुद्दों पर सवाल किए, जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं तो उन सवालों के देख लीजिए जवाब किस तरीके से आए हैं। और जैसे एक सवाल था, कई सवाल किए, उसमें एक सवाल था क्या आप केंद्र सरकार की इन योजनाओं के बारे में जानते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, हर घर जल, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, तो देखिए आंकड़े किस तरीके से आए जी। 51% आए हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, पीएम आवास योजना के लिए 53%, हर घर जल के लिए 56%, उज्ज्वला योजना के लिए 61 अर्थात 61%, जनधन योजना के लिए 51% और आयुष्मान योजना के लिए 40%। तो यानी लोग
न सिर्फ ये योजनाओं का जो लाभार्थी हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी लोग भी जानते हैं इन योजनाओं के बारे में, और ये सारा जो जानकारी है लोगों तक पहुंचना वो सब पूरा इन्फ्लुएंस करता है उनके वोटिंग बिहेवियर को भी। इस तरह के कई सवाल पूछे गए, एक सवाल ये पूछा गया, अगले सवाल पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मेगा ओपिनियन पोल में बहुत सारे सवाल पूछे गए मुद्दों को लेकर। एक सवाल पूछा गया कि इन कामों के लिए किस नेता पर भरोसा करेंगे, रोजगार की आप बात करते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आप किस नेता पर भरोसा करेंगे, तो 58% कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेंगे। आप कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा है लेकिन भरोसा भी नरेंद्र मोदी पर। हाँ, और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राहुल गांधी पर भरोसा 20% है, अरविंद केजरीवाल पर 11% है, ममता बनर्जी पर 11%। तो ये भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें शांतनु गुप्ता जी हैं, अकुश श्रीवास्तव हैं, उमेश झा हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं। महंगाई का मुद्दा, महंगाई पर काबू कौन कर सकता है, इन कामों के लिए आप किस नेता पे भरोसा करेंगे, नरेंद्र मोदी 59%, अराउंड 60%, 60%, राहुल गांधी 21%, अरविंद केजरीवाल 6, ममता बनर्जी 14%। ये आपके सामने है आर्थिक विकास करना। किशोर, आर्थिक विकास के लिए आप किस नेता पर भरोसा करेंगे, तो नरेंद्र मोदी पर 62% लोग भरोसा करेंगे, जितने भी 118,000 लोगों से बात की गई उनमें 62% कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेंगे आर्थिक विकास करने के लिए, जबकि सिर्फ 22% कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी पर भरोसा करेंगे आर्थिक विकास करने के लिए। अरविंद केजरीवाल 6%, ममता बनर्जी 10%, लेकिन नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी अगर आप देखें तो सांप्रदायिक, अच्छा आप दिए भारत जोड़ो यात्रा चली, उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, सांप्रदायिक सद्भावना लाने के लिए भी 60% लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, राहुल गांधी पे 25%, ममता बनर्जी पे 9% और अरविंद केजरीवाल पर 6%। लेकिन बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र, किशोर महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कहता 48. है, ये वाकई पहेली है, ये आ रहा है कोंकण महाराष्ट्र की बात हो रही है, तीन सीटें हैं कोंकण की, तीनों एनडीए को जाती हुई, यानी इसमें एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी, इंडिया अलायंस को एक भी नहीं जा रही कोंकण जिले के अंदर, कोंकण में एक भी सीट। अगला एरिया देख लेते हैं महाराष्ट्र का, अगला मराठवाड़ा, महाराष्ट्र मराठवाड़ा की 8 सीटें, वहां पर जरूर 3 विपक्षी गठबंधन को जाती हुई, लेकिन वहां पर भी 5 एनडीए, वहां पर भी 5 एनडीए को। मुंबई थाने महत्वपूर्ण इलाका, 10 सीटें हैं मुंबई थाना, और एनडीए के खाते में 9, इंडिया के खाते में यानी उद्धव ठाकरे, शरद राव पवार और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और 0 अन्य के खाते में, मुंबई थाने महाराष्ट्र। उत्तर महाराष्ट्र की 6 सीटों में 5 एनडीए के खाते में इस ओपिनियन पोल के अनुमान से, और विपक्ष को सिर्फ एक। और अब बात करें विदर्भ की, देख लेते क्या आ रहा है विदर्भ, नागपुर का इलाका विदर्भ, विदर्भ में 10 सीटें, 9 सीटें एनडीए को, एनडीए के पास जा रही एक सीट विपक्षी गठबंधन, तो बहुत मतलब ये 40 से ऊपर का आंकड़ा बढ़ रहा है क्या बीजेपी का।